सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गोविंद फ्लूट। दोस्तों, ट्यून और ट्यूनर, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो बहुत दिन से हमने जो ट्यून कर रहे थे हमारे बांसुरी जो है, तो हमारे जो है ऐसे ये डिजिटल तानपुरा का मशीन है जो कि रिडियल कंपनी के है, तो इससे हम ट्यून कर रहे थे। एक्चुअली मेरे सिस्टर जो है वो वायलिन प्ले करते हैं, तो उसके हिसाब से इसका जो ट्यूनर होते हैं, इसका ट्यूनर आप देख सकते हैं, ये कंपनी का ट्यूनर है, ये जो कि MT4W मेट्रो ट्यूनर। तो ये ट्यूनर बहुत ही अच्छे हैं जो कि बांसुरी ट्यून करते हैं, जो कि बनाते हैं बिगिनर्स के लिए। ये आप 950 का इसका प्राइस है, तो आप ले सकते हो, अमेजोन में फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा। और इसका खासियत क्या है, मैंने तो पहले इसको सोचा कि इसका और ये जो तानपुरा जो डिजिटल का जो डिजिटल तानपुरा है इसके साथ ये साउंड मैच करते कि नहीं, और मैंने सोचा इससे ट्यून कर सकते हैं कि नहीं, ये भी सोचा। तो इसको अनबॉक्सिंग करेंगे आज, और अनबॉक्सिंग के बाद इसको बताएंगे इसके साथ इसका ट्यूनिंग सब ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्यून करते हैं, हारमोनियम वगैरह, गिटार, सितार, तानपुरा, ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर ट्यून बाय दिस। तो इसको बताएंगे क्या इसका है। तो हमने तो पहले एक बार खोल के देखा, फिर आपके सामने एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, और इसका जो मेन चीज़ है, जैसे कि कोई भीड़ में अगर गाने के टाइम सिंगर ट्यून मिलाने के लिए वायलिन और तानपुरा से, ये बहुत ही अच्छे एक चीज़ है, इसके साथ ही मिलते हैं ये। और ज़्यादा कुछ नहीं है ये बॉक्स में, ये मशीन है उसका मेन। इसमें दो बैटरी होते हैं, जो कि ये छोटा बैटरी है, ये रिमोट का बैटरी होता है उसका है, तो इसमें लगते हैं। इसका स्विच है 1, 2, 3 इधर और इधर का 2। ट्यून आगे पीछे करने के लिए इसका ये है, और इसका इसके सिस्टम एक ये है, अगर आप मान लो आप कोई सी बांसुरी ट्यून कर रहे हो, तो इसका साउंड भी आता है, आपको दिखाएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट बटन है ऊपर का, आप देख सकते हो ऊपर का ये स्टार्ट बटन है, अब चालू हो गया, देखिए। तो इसमें आप एक बात है, इसमें जो है सिस्टम, इसमें जो है ये 440 हैस का है, 440, तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं इसका, ये आगे पीछे करने के लिए ये है आगे पीछे, तो आप 430, 480 ऐसे कर सकते हैं। तो ये, और ये बहुत ही अच्छे हैं, लाइट हो रहा है ऐसा दिखा नहीं है, बहुत ही अच्छे है इसके। और इसके हिसाब से जो आपका ये चीज, इसको अगर आप इसमें लगाने के लिए ये दिया है, इसको लगा के मान लो वायलिन हो, तानपुरा हो, गिटार हो, कुछ भी हो, इसमें आपको ये लगा सकते हो, इसका सिस्टम है। लेकिन हमने तो वायलिन भी ट्यून करते हैं, और हमारा जो बांसुरी हम बनाते हैं, तो इसका भी ये ट्यूनिंग मतलब कि बहुत ही अच्छे ये काम करते हैं। तो उसके हिसाब से हमने ये चेक करने के लिए इसके साथ कंपेयर किया दोनों, तो आप दोनों से कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो इसका जैसे साउंड जो है, हमने एक मिनट आपको हम दिखाते हैं, सकते हैं, हमने इसके साथ इसको चेक किया और देखा कि बिल्कुल सही आ रहा है इसका साउंड चेक करने के बाद। तो आप, ये बहुत ही एक अच्छा चीज है, इसमें से जो कि इस प्रकार से अलग अलग जो बांसुरी हम ट्यून करते हैं बजा के, इसमें भी करेगा। इसका एक बात है, इसका ये साउंड भी आता है, जो इसका साउंड है बिल्कुल
कोई भी अगर ट्यून आप कर रहे हैं, देखो कोई बांसुरी आप ट्यून कर रहे हैं, अगले हम वीडियो में बताएंगे इससे किस प्रकार से ट्यून कर सकते हैं बांसुरी, जो नहीं है बांसुरी बनाते हैं इस प्रकार से। ये ट्यूनर जो है बहुत ही काम की चीज़ है हमारे ख्याल से, और पता नहीं बहुत सारे लोग हैं क्या क्या करते हैं, लेकिन हम तो इससे करते ही है, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब मान लो आप 80-70% इससे हो गया, और उससे बाद आप इससे भी कर सकते हो तानपुरा से, तो आपको पूरा परफेक्टली बन जाएगा बांसुरी। तो हिसाब से मेरे हिसाब से ये कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि बिगिनर्स बांसुरी बनाते हैं और बांसुरी ट्यून करने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए ये आप ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। आज का वीडियो यही है, बहुत छोटा जानकारी ये है इससे बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ये होगा कि बांसुरी बहुत सारा है जो कि फ्लैश सेल के लिए, इसका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत बांसुरी टेढ़ा होता है, और बांसुरी जो राउंड होता है उसका थोड़ा बहुत चपटा होता है, चपटा मतलब कि ओवल टाइप के होता है। तो इस प्रकार का बांसुरी को हम फ्लैश सेल में देते हैं, लेकिन एक बात है दोस्तों, जो इसका बांसुरी का ट्यून जो होता है एकदम 100% होता है, उसके बारे में कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, बांसुरी एक बाम्बू का चीज़ है जो नेचुरल है, तो इसको कभी कभी जंगल में ये लोग थोड़ा ऐसे सीधा रहते कितना टाइम रहेगा, थोड़ा बहुत हल जाता है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। तो इसके वही बांसुरी को हम फेंकते नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स है जो सस्ते में मांगते हैं, लेकिन सस्ता बांसुरी लेने की वजह से वो लोग गलत चीज़ ले लेता है, जिसके सस्ता में मिलता है लेकिन ट्यून में नहीं होते हैं। तो हमारे पास आप लोगों को ट्यून में मिलेगा और सस्ते आधे दामों में मिलेगा, तो फ्लैश सेल बहुत ही जल्दी आएगा। मैं मेरे वीडियो पे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे होते हैं जो कि फ्लैश सेल का बांसुरी होते हैं। बहुत जल्दी वीडियो आएगा दोस्तों, चैनल में जुड़े रहे। धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार, थैंक यू।